सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं। हेलो एंड वेलकम टू एडी एजुकेशन, मैं हूं अमित दीक्षित। आज इस वीडियो में एक बहुत इम्पॉर्टेंट खबर जो कि आप जानना चाहते हैं, सभी शिक्षक काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं, वो है NIOS DLED के फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट। आप जानते हैं सेकंड एग्जाम की परीक्षा फीस भी भरवा ली गई है, सब कुछ हो चुका है और रिजल्ट का आप सभी को इंतज़ार है, जिससे आप ये पता कर सकें कि आपको कितने पेपर देने होंगे और क्या करना होगा। तो ये अभी बहुत ज़रूरी हो गया है जानना कि रिजल्ट कब तक आ रहे हैं। तो यहाँ रिजल्ट के बारे में ही मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि कब तक ये रिजल्ट आने वाले हैं NIOS DLED के फर्स्ट सेमेस्टर के। और ये जानकारी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो खुद NIOS के चेयरमैन ने बताई है। यहाँ पर जो भी जानकारी आपको दी जाती है वो ऑथेंटिक सोर्सेज के जरिए दी जाती है, जो भी ट्रस्टेड और विश्वसनीय जानकारी होती है, तो वही मैं आपको यहाँ शो करता हूँ, हमेशा ये कोशिश रहती है। तो अभी भी ये जो जानकारी है वो खुद NIOS के चेयरमैन ने बताई है, इसलिए ये जानकारी आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आखिर तक देख लें आप। यहाँ पर देखिए, जो जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ रिजल्ट के बारे में, वो एक न्यूज़पेपर के माध्यम से है, एक अखबार के माध्यम से, जो कि पटना बिहार का से प्रकाशित ये न्यूज़ है। आज हिंदी दैनिक ये न्यूज़पेपर का नाम है, इसलिए मैं नाम आपको बता रहा हूँ कि आप चेक कर सके जाके। AJ हिंदी डेली आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहाँ पर ये आपको मिल जाएगी ये न्यूज़, तो चेक करें, पटना बिहार की न्यूज़ है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अब ये न्यूज़ इस चीज़ के बारे में है, ये जो मिस्टर चेयरमैन साहब का फ़ोटो आप देख रहे हैं, CB शर्मा जी का, ये वहाँ पर किसी प्रोग्राम में गए थे अपनी तरफ से, जो किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में ये कार्यक्रम था, और वहीं पर पत्रकारों से सवालों के जवाब में उन्होंने यहाँ आंसर बताया है DLED के फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट के बारे में। तो पूरी न्यूज़ आपके बारे में नहीं है, आप इस पर ध्यान न दें। यहाँ मुख्य बात जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है वो लास्ट के यहाँ पर देख सकते हैं पैराग्राफ में दी गई है और एक बड़े बड़े अक्षरों में लिखा भी हुआ है, देखिए DLED की पहली परीक्षा का 31 तक आएगा रिजल्ट, तो ये भी यहाँ पर बताया गया है। और लास्ट का पैराग्राफ क्या है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ देखिए लिखा गया है, प्रोफेसर शर्मा कहते हैं कि राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षक संस्थान के द्वारा देश भर में करीबन 14 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और इसके अंतर्गत डिप्लोमा जो 2 वर्ष का है DLED का कराया जा रहा है। और इसमें बिहार के बारे में उन्होंने बताया, क्योंकि बिहार में वो प्रोग्राम में गए थे इसलिए वहाँ बोला उन्होंने कि करीबन 3 लाख शिक्षक बिहार से हैं। और जो मुख्य बात है रिजल्ट के बारे में, आखिरी लाइन में आप देख सकते हैं, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की पहली परीक्षा हो चुकी है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम हो चुके हैं, आप भी जानते हैं, इसका रिजल्ट 31 जुलाई से 4 अगस्त के बीच आने वाला है। तो ये यहाँ पर लिखा गया है आखिरी लाइन में, आप देख सकते हैं कि बीच आने वाला है, बाकी आगे जो जानकारी है वो आपके लिए नहीं है, उस पर ध्यान न दें। मुख्य पैराग्राफ यही है जो उन्होंने शर्मा जी ने कहा और आंसर किया पत्रकारों के सवालों के जवाब में, कि 31 जुलाई से 4 अगस्त की डेट उन्होंने बात की है। तो ये जानकारी अभी अहम हो गई है, तो इस डेट पर आपके फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट आने की संभावना प्रबल हो गई है। अगेन यहाँ पर उन्होंने ही कहा है, चेयरमैन से बड़ा NIOS बोर्ड में अभी फिलहाल कोई नहीं है, तो इस बात पर हम पूरा यकीन कर सकते हैं। पर फिर भी चूंकि डेट्स चेंज होती रहती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चूंकि जिस हिसाब से सितंबर में एग्जाम इनको कराने हैं, बार बार यही कहा जा रहा है सितंबर में दूसरे सेमेस्टर के एग्जाम होंगे, तो उस हिसाब से इनको अगस्त में रिजल्ट घोषित करना ही होगा, क्योंकि 10 दिन इनको परीक्षाओं की फीस के भरने के लिए भी देने हैं। तो हर हाल में ये संभावना पूरी प्रबल है कि अगस्त के की जो डेट्स हैं ये जो आ रही हैं वो सही होंगी। तो अभी आप यही मान के चलें, क्योंकि NIOS चेयरमैन ने खुद कहा है, तो अब इसको मानकर चलना ही होगा आपको। तो 31 जुलाई से 4 अगस्त 2018 के बीच आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ सकता है, यही यहाँ पर पूरी संभावना है चेयरमैन साहब के द्वारा कहे गए शब्दों के अनुसार। तो ये न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी, आई एम श्योर ये महत्वपूर्ण है सभी शिक्षकों के लिए, तो प्लीज़ आप इनको लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए इस न्यूज़ को, ज़्यादातर लोगों तक पहुंचा दीजिए और सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं, नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।